الرحمن الرحيم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وآل بيته الطيبين الطاهرين العاصمين أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات سامعین گرامی حفاظت قرآن پر گفتگو کا دوسرا مرحلہ کل ان مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی گئی کہ جو قرآن مجید کی اپنی ذات اور اس کو سمجھنے کے سلسلے میں مسلمانوں میں اب تک اختلافات پیدا ہوئے اور مقتدہ ہائے فکر قائم ہوئے. آج میں قرآن مجید کے سلسلے میں ایک ایسی الجھن سے اپنے آپ کو ربط دینا چاہتا ہوں کہ جو الجھن لوگوں کے کسی قول سے نہیں بلکہ خود قرآن مجید کے بعض ارشادات کی روشنی میں پیدا ہوئی. جتنی الہامی کتابیں اسلام سے پہلے نازل ہوئیں ان کے متعلق ہم جتنا جانتے ہیں اسے ان کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کی جتنی کتابیں تھیں وہ ایک ساتھ پوری پوری کتاب ایک دفعہ میں نازل ہوئی. حضرت موسیٰ کے سلسلے میں تو بہت تفصیل سے ہم جانتے ہیں کہ کوہ طور پر ان کو کتابت شدہ پتھر پر لکھی ہوئی الواح ملی تھی جس میں سارے احکامات تھے اور انہیں کو تورات کہا جاتا ہے. وہ تورات کہ جو اللہ کی طرف سے آئی تھی, وہ تورات نہیں کہ جو آج پانچ حصوں میں منقسم ہے اور یہودی حضرات میں رائج ہے. یہ تورات حضرت موسیٰ کے دنیا میں آنے کے تقریباً 1400-1500 سال بعد ترتیب دی گئی ہے. بخیر ایک الگ بحث ہے کہ یہ کس کس وقت میں کس کس طریقے سے اس کے مختلف اجزاء لکھے گئے, لیکن جو تورات نازل ہوئی تھی وہ ایک وقت میں نازل ہوئی تھی. بلکہ ہمارے یہاں کی روایات میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ مثلا حضرت ابراہیم کا جو صحیفہ تھا وہ ماہ رمضان میں نازل ہوا. تورات حضرت موسیٰ کی کتاب یہ 6 رمضان کو عطا ہوئی تھی حضرت موسیٰ کو,
बुलाते हैं पीर पे जाने का और अल्लाह को लेके आने का, छह रमजान का वाक्य है। इंजील के सिलसिले में हमें अपना गोमा से पता चलता है कि ये वाक्य 13 रमजान का है और ये रमजान की खसूसियत है कि जबूर भी इसी महीने में नाजिल हुई, इसका नजूल 18 तारीख को हुआ। तो वो नहीं कहिए कि जो लैलतुल कद्र दुनिया इस्लाम में है, वो लैलतुल कद्र इससे पहले भी दूसरी अकवाम में आती रही और माह रमजान ही में आती रही, तारीखें जरूर मुख्तलिफ हैं। अब कुरान कैसे नाजिल हुआ? सैयद इब्राहिम, तौरात, जबूर, इंजील, इनका तो पता चल गया कि ये एक मुअय्यन दिन एक खास मौके पर पूरी की पूरी एक साथ नाजिल हो गए। नुज़ूल कुरान कैसे हुआ? तो अब हमें तारीखी तौर पर यह मालूम होता है कि कुरान मजीद की पहली आयात सूरह अलक की आयात हैं इब्तदाई, और आखिरी आयात सूरह फतह की आयात हैं। और ये सूरह अलक की आयात से लेकर सूरह फतह की आयात तक नुज़ूल कुरान 23 साल ही होता रहा, ये तो तारीखी हकीकत है और इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। लेकिन खुद कुरान मजीद ने एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कम से कम 3 जगह वाज़ह तौर पर नुज़ूल कुरान को इतने तवील अरसे के बजाय महदूद कर दिया है एक खास रात को या एक खास महीने को। दो आयतें रात के लिए हैं और तीसरी आयत महीने के लिए। पहली आयत तो वो कि अक्सर आप नमाजों में भी सूर्य को पढ़ते हैं, सूर्य कद्र, पहली ही आयत इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने लैलतिल कद्र में नाजिल किया। क्या नाजिल किया? जाहिर सब जानते हैं कि यहां कुरान मुराद है। फिर सूरह दुखान की तीसरी आयत है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारक, हमने लैलतुल मुबारका में मुबारक रात में नाजिल किया। वहां कद्र की रात, यहां मुबारक रात, बरकतों वाली रात। तो गया उस रात के दो नाम हो गए, कद्र वाली अजमत वाली रात और बरकतों वाली रात। तो दो आयतें तो ये कह रही हैं कि इस रात को नाजिल किया। अब रात का है तो सूरह बकरा की जो आयात की जिसको आप लोग रमजान में एक दुआ के जुज के तौर पर पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद एक मुस्तहब दुआ है, अक्सर समाधि जगहों पर मोमिनी उसको पढ़ना तकरीबन लाजमी के तौर पर अदा करते हैं इस फरीजे को। तो उसमें इरशाद हुआ कि शहर रमजान अल्लज़ी अंजल तफीह कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, कि शहर रमजान, माह रमजान वो महीना है कि जिसमें हमने कुरान नाजिल किया। अब कम अज कम दे बताई थी कि ये रात को नाजिल हुआ तो कौन सी रात है, क्या कम अज कम रात का महीना भी नाजिल हो गया कि हमने रमजान के महीने में कुरान मजीद को नाजिल किया। वो कुरान की जो हिदायत है, जो सीधा रास्ता दिखाता है और जो हक को बातिल है फर्क करता है, फुरकान का मानी है फर्क करने वाला, जो हक को बातिल को जुदा करे, यानी जिसकी मदद से लोग ये पहचान कर लेते हैं, जिसका इल्म हो तो ये जान जाते हैं कि बुराई क्या है, भलाई क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो ये कुरान की सिफात बयान करके कहा कि ये कुरान, इन सिफात का हामिल कुरान,
हमने माह रमजान में नाजिल किया। अब इन तीन आयात की मौजूदगी में ये बात बिल्कुल शकुशुबा नहीं रह जाता कि कुरान मजीद एक खास रात में और वो रात माह रमजान की रात पे नाजिल हुआ। दूसरी तरफ सूरह बनी इसराइल में 106 आयत है, उसमें लिखा दिया कि हमने नज़लनाहु तंज़ीला, हमने कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके नाजिल किया। तंज़ील रुक रुक के ठहर ठहर के आना, तो हमने कुरान मजीद को ठहर ठहर के रुक रुक के नाजिल किया। अब ये खैर तारीख के हमारे उस मुशाहदे से भी मुताबिकत रखता है कि कुरान मजीद तो 23 साल में रुक रुक के नाजिल हुआ एक साथ, बहुत कम सिवाय छोटी सूरतें जो है जो अक्सर 20-30 पारे में है, या सबसे बड़ी सूरत जो एक साथ मुकम्मल नाजिल हुई है वो सूरह दहर कि जिसकी 30 आयतें हैं और वो 30 की 30 आयतें एक ही दफा में नाजिल हुई है। सिर्फ मुफस्सिरीन का कमोबेश इत्तेफाक है कि बाकी इससे छोटी सूरतें तो हैं जो पूरी नाजिल हुई, वरना कुरान मजीद की पूरी सूरह भी अब सूरह बकरा न मालूम कितनी मुद्दत पर नाजिल हुई है, कभी 4 आयतें कभी 6 आयतें कभी 10 आयतें कभी 8 आयतें, मुख्तलिफ मसायल आते रहे, लोग पूछते रहे, उसके अज्जा सुना दिए जाते रहे, बाद में हुजूर बता देते थे कि इसको सूरह बकरा का जुज बना लो, उसमें शामिल कर लो। तो तारीखी तौर पर भी और कुरान मजीद का अपना बयान भी कि हमने कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है। अब हमें कुरान से ही दो बातें मालूम हुई कि कुरान मजीद एक खास रात में एक ही दफे में नाजिल हुआ या एक दफे में हुआ या नहीं हुआ, ये तो बहुत बात की है। ये तय है कि एक रात में नाजिल हुआ और वो रात रमजान की रात थी। दूसरी तरफ कुरान मजीद ही कह रहा है कि कुरान मजीद रुक रुक कर नाजिल हुआ। अब जाहिर है तो कुरान मजीद के कौल को ये किसी अगर मुहद्दिस का कौल होता, किसी फकीह की राय होती, कोई हदीस भी बयान की गई होती तो इसमें बहस हो सकती थी कि हो सकता है एक हदीस कवी हो, एक जरीफ हो, एक काबिल कबूल हो, एक रद्द की जा सके। ये अकवाल कुरान मजीद के अकवाल है जिसमें किसी मुसलमान को कोई शक व शुबा नहीं। तो अब सिवाय इसके और कोई बात समझ में नहीं आती कि कुरान एक मरतबा नहीं दो मरतबा नाजिल हुआ। जब ये कहा जा रहा है कि एक रात को नाजिल हुआ और जब ये कहा जा रहा है कि ठहर ठहर के नाजिल हुआ, तो ठहर के नाजिल होना और बात है और एक रात को नाजिल होना और बात है, तो फिर मानना पड़ेगा कि कुरान मजीद अजमी और कुरान दो मरतबा नाजिल हुआ। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये बात उलझन की थी कि दो मरतबा नाजिल हुआ है तो क्या किया जाए, इन दोनों मसाइल को कैसे हल किया जाए। उसके लिए बहुत तगड़े की हमारे मुफस्सिरीन ने और बड़ी बड़ी राहें निकाली कि वो एक रात का नज़ूल भी समझ में आ जाए और रुक-रुक के नाजिल होना भी समझ में आ जाए। तो एक हल ये पेश किया गया कि दरहकीकत कुरान मजीद का नज़ूल रमजान में शुरू हुआ। कल मैंने आपके सामने खासतौर पर बड़ा वक्त लिया था आपका ये बात अर्ज करने के लिए कि कुरान का लफ्ज जो है वो पूरे कुरान के लिए भी इस्तेमाल होता है, जुज़ो कुरान के लिए भी इस्तेमाल होता है और महफूज शुदा कैफियत के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अब मुफस्सिरीन ने इन तीन मानी में से इस मानी से फायदा उठाया कि जुज़ के लिए भी तो कुरान का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कुरान मजीद माह रमजान में नाजिल होना शुरू हो जाए तो यह कहा जा सकता है कि हमने माह मुबारका में नाजिल किया, हमने एक मुबारक रात में नाजिल किया, एक फजीलत वाली रात में, अजमत वाली रात में नाजिल किया।